सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। देखिए ये भारत में प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ डेमोक्रेसी है। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस डेमोक्रेसी को मोमोक्रेसी में बदल रही है, क्योंकि ये सरकार मोमोक्रेसी के जरिए ही सत्ता में आई है। जिस पाकिस्तान की आबादी मात्र 16,88,00,000 है, डेढ़ अरब वाले को उसका भय दिखाकर राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है। इस देश में कभी भी भारत ने जब भी जंग लड़ी है पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है, और इंदिरा गांधी ने 92,000 सेना को भारत में साल भर कैद रखा है। वह देश की जनता को मोदी जरा रहा है, उस सेना को जरा रहा है। आज की तारीख में मोदी को हिम्मत है तो 9200 भी पाकिस्तानी सेना को गिरफ्तार करके भारत के जेल में साल भर रखे तो हम समझेंगे कि मोदी बहुत कलेजा वाले। और खाते हैं नेहरू की गलती हुई, पीएमओ बना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। अगर इनमें बहुत मन में भावना है तो आज पीओके को जो भारत का दिखी धरती है उसको भारत की सेना से कब्जा करा ले तो हम सबसे बड़े बहादुर। पर ये काम ये नहीं कर रहे हैं, ये नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। आज का ये प्रदर्शन जो वतन विकास संगठन ने किया है, इसमें हम सब सामाजिक सद्भाव का आनंद करना चाहते हैं। जो भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति यह है कि भारत में मोदी सरकार को और भारत सरकार को हम लोग ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर एक भी मॉब लिंचिंग अगर भारत में हुई तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। हम लोग का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे इस सभा में मुस्लिम कम्युनिटी के टोटल लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के टोटल लोग हैं, सिख कम्युनिटी के टोटल लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के लोग आए हैं, CPIM के लोग आए हैं, माले के लोग आए हैं, अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आए हैं, यूथ संगठन सब आया है। हम सब लोगों ने अपनी एकता बनाई है और मोदी जी ये मॉब लिंचिंग का कोई हल निकाले नहीं निकाले, इसका हल हम लोगों ने सोच लिया है निकालने का। पहले इलेक्शन में ये जो 50-60% की आबादी है हरिजन और मुसलमान और बाकी जाति के लोग, जो लोग यहाँ आए हैं, जो संगठन यहाँ हैं, हम लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और गोली मारिए नीतीश जी की, सुशासन को और लालू जी के, इसको सब लोगों ने ठगने का काम किया है। हम लोग अपना पॉलिटिकल पावर एक खड़ा करेंगे, यही हम जनता को बताने के लिए आए हैं। और मॉब लिंचिंग रुकने का, साम्प्रदायिकता रुकने का, भेदभाव रुकने का यही एक वाहिद उपाय है। सरकार दे दे उसी से काम चलने वाला नहीं है, वैसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए जो भीड़ के रूप में कानून को अपने हाथ में लेते हैं और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या सांप्रदायिक सोच के तहत हो या फिर आपराधिक सोच के तहत, निश्चित तौर पर जो लोग ऐसा घृणित काम करते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए उस कानून में। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस मामले में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए।